कोई। देखो इसकी तरफ कितनी खूबसूरत औरत है, और इस औरत को तुमने गिरफ्तार कर लिया, वो भी सिर्फ सड़क पर थूकने की वजह से। है कोई इंसाफ यहां? कोई कानून है यहां? इस साले को कमिश्नर मैंने बनाया, इसे कुर्सी पर मैंने बिठाया, और देखो इसे, तूने मेरी ही बीवी को गिरफ्तार किया। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी बीवी है। थूकने के लिए पकड़ेगा साले। चलो। क्या देख रहा है बे? आंखें निकाल कर दीवार से चिपका दूंगा। आजकल सिनेमा देखने कोई नहीं जाता, इतवार के दिन भी थिएटर में कौवे बोल रहे हैं। गाड़ी कहाँ है? भागो। के बचोगे नहीं डरपोक। जब तुम अंदर हीरो बन रहे थे, तुम्हारे आदमी तुम्हें छोड़कर हमारे साथ मिल गए। सबको मार डालो, किसी को छोड़ना नहीं। जो यादें बचपन में हम साथ खेलते थे। भाई नहीं, मुझे मत मारो। तुम फिक्र मत करो, हम औरतों को नहीं मारते। जा सकती हो। शुक्रिया। ए ऑफिसर, कचरा साफ करो। शहर में जनता का कानून और व्यवस्था से विश्वास उठ चुका था।
अलग अलग गिरोह पूरे शहर में अपना आतंक फैला रहे थे। इनमें सबसे खतरनाक गिरोह था एक्स गैंग। अगर कोई महफूज जगह थी तो वो थी शहर की बिक्सचाई चाली, जहां किसी भी गिरोह को कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिक्र मत करो, चल के ले जाओ, जाओ। मेरा बिल। हाँ, कितना हुआ? नहीं नहीं मालिक, आपसे पैसे कैसे लूंगा? और कुछ? तुम बहुत अच्छे आदमी हो जी। मैं बीवी से कहूंगा कि तुम्हारा किराया कम करने को। शुक्रिया मालिक। अरे साहब जी कैसे हैं? ठीक हूँ। चाचा घर जा रहे हैं? तू तो बड़ी हो गई, इधर आ बेबी, गले तो लग के जा। आप आए, अच्छा लगा सर। क्या अच्छा लगा तुझे? मत मारिए। टेलर मास्टर, क्या तुम मेरा स्कर्ट थोड़ा और छोटा कर दोगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं जेन। ऊपर तक उड़न खटोला। तो बहुत ही बदमाश लड़की। हाँ, डर के बुड्ढा मेरे साथ कैसा मजाक कर रहा है। अरे जेन, अरे रुको तो, इधर वापस वापस आ जेन। अरे मेरे गले मिल के जा रहे। पानी चला गया चाची, पानी चला गया, पानी फिर बंद हो गया, बार बार बंद हो जाता है। अरे पानी क्या फोकट का आता है, जो सारा दिन नहाता रहता है, किराया तो देता नहीं, उस पर फोकट का पानी भी चाहिए। बदन पर तो आइसक्रीम जैसा साबुन लगा हुआ है, क्या मैं चाट कर साफ करूँ इसे? नहीं मिलेगा। सब सुन लो, आज के बाद सोमवार बुधवार और शुक्रवार को पानी नहीं मिलेगा, और मंगलवार गुरुवार और शनिवार को सिर्फ 2 घंटा मिलेगा, सुना तुमने? और अगर किसी को तकलीफ है तो मेरा पूरा किराया देकर मेरी चाली छोड़ कर जा सकता है। कैसी हैं आप चाची? चुप कर अखरोट के छिलके, 2 दिन में मेरा किराया दे देने तो आग लगा दूंगी तेरी दुकान को। जी दे दूंगा। और तू क्यों पोज में खड़ा है? किराया मांगती है तो 32 ही दिखाता है, दांत तोड़ दूंगी तेरे। और ये गधा कुली, अरे तेरे सर पे तो और बोझ डालना चाहिए। एक तो महीनों तक किराया नहीं देता, ऊपर से मुझे नमस्ते भी नहीं बोलता, सारी जिंदगी ढेंचू ही रहेगा, याद रखना। मच्छर कहीं के, और पानी चाहिए तुझे? हाँ इतनी देर क्यों लगाई बाजार में? मैं ये लेने गया था और एक बुढ़िया को सड़क पार करवा रहा था। तो अब यहाँ क्यों खड़े हो? वो क्या है कि मैं देख रहा था कि कोई अंदर झांक तो नहीं रहा है बाथरूम में। आंटी तेरे को उंगली ने बताने का क्या? पागल है वो, तेरे को तो मालूम है सब कुछ।
ए हट खुजली। हमको भी ऐसा कर्तव्य सिखाओगे क्या? आज से इधर कोई नहीं खेलेगा। चलो भागो। बाल किसको काटना है? बॉस को। इधर बैठिए। लो हो गया, 5 रुपया हुआ। हीरो लग रहे हैं ना? हाँ हीरो लग रहे हैं। तो इनको हीरो क्यों बनाया? हाँ मजाक उड़ा रहे क्या? बॉस आप गुस्सा मत कीजिए, पुराना दोस्त है मेरा, मैं बात करता हूँ इससे। ये एक्स गैंग के बॉस है, तुझे छाती पर 2 एक्स दिखाई नहीं देते क्या? बहुत बड़े विलन है, और विलन के बाल कभी हीरो जैसे नहीं होते। तुझे मरना है क्या? क्या करेंगे? लगता अकल से ढीला है साला। गल्ले का सारा माल ढीला कर दे, फिर शायद ये तेरी जान बख्श देंगे, समझा? मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं बॉस, आप शांत रहिए, मैं समझाता हूँ इसे। तू मेरे साथ आ, चल। देख तू मुझे एक शरीफ आदमी लगता है, तूने देखा ना बॉस का दिमाग खराब हो रहा है। अब जल्दी से ड्रॉअर से पैसा निकाल दे और अपनी जान की भीख मांग ले, समझा? मैं क्या बोल रहा हूँ तू सुन रहा है ना? ओ तुम गुंडागर्दी करना चाहते हो? ओ बॉस, बॉस, बॉस। अरे बाप रे, अब तो तू नहीं बचने वाला बेटा। एक बार इनकी आंख खुल गई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं डरता इनसे, मार डालो मुझे, मगर मेरे जैसे हजारों हैं यहाँ, किस किस को मारोगे? वहीं रुक जाओ, एक्स गैंग के बॉस अंदर सो रहे हैं, अगर वो उठ गए तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ओ तो मरना चाहते हो तुम सब, ठीक है एक एक करके सामने आओ, मैं देखता हूं, लेकिन कान खोल कर सुन लो, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ओ प्याज वाली आंटी तुम इधर आओ, क्योंकि तुम औरत हो इसीलिए मैं पहला चांस तुम्हें दे रहा हूं, तुम दम लगाकर मारो जितना मार सकते, चलो मारो। बस इतना ही दम है? ये तो नमूना था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लड़कियों से नहीं लड़ता, जाओ वापस जाओ। पहले क्यों नहीं बोला? औरत हो इसलिए बच गई, वरना एक रख के देता ना तो मालूम पड़ता। अब ओए टिंगू, अबे तू आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा, मुझे लड़ेगा? चल तू आजा। मैंने तुम लोगों से अभी चीटिंग के बारे में क्या कहा था? चल तू बैठ जा। ये चश्मिश बहुत घूर रहा है ना तू, तू इधर आ। अरे भाई साहब आपको नहीं, अब वो तो मैं ये, हाँ ये बच्चा। अरे बच्चा हो के मुझे घूर रहा है, तू लड़ेगा मुझसे? चल इधर आ। ओ जाने दे जाने दे जाने दे। क्या सबके सब डरपोक, एक में भी हिम्मत नहीं मुझे लड़ने की? अब कहो एक्स गैंग की जय हो। यही मेरा पैसा छीनना चाहता था। क्या हुआ रे मोटी, तू यहाँ की थानेदार है क्या? क्या तूने बोल? मैं एक्स गैंग से हूँ समझ लो तुम। तेरी एक्स गैंग की तो बॉस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तेरे की तो डॉक्टर का बिल देना पड़ेगा। डॉक्टर की तो तेरी 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 मोटी गिर जाएगी। देखो अपना हाथ रोक लो, नहीं तो मैं अपने गैंग को बुलाऊंगा। नौटंकी कहीं का, चल बुला ले अपने गैंग को, उनको भी देख लूंगी। हाँ तू जानती नहीं मेरे गैंग को, पूरी बटालियन खून खा रहे है। और एक बात सुन लो, अपने कफन की तैयारी कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा तुम लोग को।
पटाखा किसने फोड़ा रे? सच सच कहूं अंदर जाओगे? कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? ए सुन, अगर तुम लोग भी मुझे यहां डराने आए हो तो मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या मैं किसी ने देखा मैं यहां कैसे पहुंचा? नहीं, टूटा है, सिग्नल भेजो जल्दी। बात सुनिए, मैं आपके लिए चिली चिकन चिकन नूडल। ये किसने किया है? मैं तीन तक गिनूंगा। एक, मैंने किया है। Go!
एकदम बढ़िया क्वालिटी के ड्रग्स हैं। गलती हो गया भाई। क्या जरा उस तरफ मुड़ोगे बच्चे? हटाओ साले को। इस शहर के बादशाह हम हैं। लोगों पर राज करना हमारा काम है और आज लोग हम पर हंस रहे हैं। इन दोनों निकम्मों की वजह से मैं इनको मार दूंगा, मैं इनको। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों इन बेकार लोगों पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं आप? आइए, हमारे आदमी इनसे निपट लेंगे बॉस। अरे सुनो, ठिकाने लगा दो इनको। अरे वाह, ये तो ताले तोड़ने में बड़ा माहिर है। यही तो मेरा धंधा, मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर ये दूसरा ताला भी खोल कर दिखा। तैयार हो जा, तुझे मैं सिर्फ 3 गिनने तक मौका देता हूँ। जल्दी, रेडी, 3। अरे वाह, हम तुम्हारे हुनर से खुश हैं बॉस। मुझे बस एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने को। बस आपके गैंग में शामिल होना चाहता हूं मैं। किसी को टपकाया क्या? टपकाया तो नहीं है, लेकिन हर वक्त सोचता रहता हूं उसके बारे में। तो फिर जाके टपकाओ ना। हाँ हाँ, टपकाऊंगा पक्का। जाओ, आप जैसा कहें बॉस। ऐसे निकम्मों के लिए हम हमेशा काम ढूंढ सकते हैं। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, तेरे को डेंजरस लगना है यार। अरे हंस मत यार, तेरे को डेंजरस लगना है। और देख, अब नींद पर काबू रखा कर, नहीं तो तू भाई नहीं बन सकेगा। पर मैं थक जाता हूँ ना। थक जाता है? अरे काम के वक्त थका मत कर। जानता है, पूरा शहर पैसे वालों और खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। जिसमें छीनने की ताकत और जिगर में हिम्मत होगी, बस वही जीतेगा और राजा की तरह राज करेगा। मेरे दोस्त, अपने पास यही मौका है, किसी एक को टपका कर इन लोग की तरह बनने का।
फिर देखना पूरा शहर अपनी जेब में होगा दोस्त। इन भिखारियों की तरह नहीं चीने गए, लेकिन सालों को सड़क से उठाकर सिगरेट पीते हैं। हट साले। क्या देख रहे चश्मिश? एक फटके में थोपड़ा तोड़ा लूंगा। फटका तो मैं तुझे दूंगा, तुझे तो टपकाऊंगा। अब तू सच्ची में किसी को टपकाएगा? हाँ टपकाऊंगा ना, पहले सोले चश्मिश को, फिर वो मोटी को, और चाली में रहने वाले सारे के सारों को। पर उन लोगों को तो कुनफू आती है। अरे तो क्या हुआ, मुझे भी तो आती है। सचमुच तेरे को आती है? अरे तुझे क्या मालूम, बुद्ध हस्त कुनफू सीखा है मैंने भी। ए बच्चे बच्चे रुको, मेरी बात सुनो। वाह अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। तुम जानते हो तुम लाखों में एक हो। इतनी छोटी उम्र है पर तुम्हारी हड्डियों का ढांचा और रगों में कुंफू मास्टर का हुनर है। अगर तुम अपने हुनर पर काबू पा लो तो तुम मौत को भी अपने वश में कर सकते हो। पुरानी किताबों में लिखा है कोई भी अपने भाग्य से भाग नहीं सकता है। आने वाले कल में विश्व शांति और बुराई पर विजय पाने का जिम्मा तुम्हारा होगा, तुम निभाओगे? ये बुद्ध हस्त कुंफू की किताब वैसे तो बहुत अमूल्य है, पर तुम्हारे भाग्य में लिखी है इसलिए तुम्हें मैं सस्ते में दे दूंगा। तूने अपने सारे पैसे उसको दे दिए? हाँ, मैं वकील या डॉक्टर बनने के लिए पैसे जमा कर रहा था, पर उस वक्त मना कैसे करता, विश्व शांति का भार जो था मुझ पर। ये किताब को तो देखो, 2 रुपए में कुंफू सीखो। बहुत पैसे आ गए क्या तेरे पास? दोनों की खूब जमेगी। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अच्छाई की कभी जीत नहीं होती। मैं बुरा बनना चाहता था। आइसक्रीम खानी है? कहाँ? 2 आइसक्रीम देना, मुझे वनीला चाहिए। मुझे चॉकलेट। देख क्या रही है, इसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, चल। पकड़ा पकड़ी खेलेगी। अगर तुम लोग इतने बड़े कुंफू मास्टर हो तो जाकर अखाड़े में अपना कमाल दिखाओ, वहां उसका पैसा भी मिलेगा। मेरी चाली को अपना अखाड़ा बनाने की कोशिश मत करो। ऐसा मत बोलिए, शायद ऊपर वाले ने इन्हें हमारे पास किसी वजह से भेजा है। वजह तो हर चीज की होती है, पर हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। बंदरों खोपड़ी में बात आई ना, एक्स गैंग हमसे बदला लेगा और जब तक तुम लोग यहाँ हो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। चाची ने आपका क्या हाल बना रखा है? आप कुछ लेते क्यों नहीं? सुनिए, हमारे पास देने के लिए कोई कीमती तोहफा तो नहीं है, जो है आपके लिए लाए हैं। जान बचाने का शुक्रिया। अबे चुप, रोना धोना बंद कर, नौटंकी कहीं का। तुम कितने पत्थर दिल हो, मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अदाओं से तो कुंग फू कम मामू ज्यादा लगता है।
तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अदाएं देखिए, मामू को मामू नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? सब लोग देखो देखो कैसे लाल चड्डी पहनकर घूम रहा है। हा? अरे लाल चूड़ियां भी क्यों नहीं पहन लेता? क्यों, लाल चड्डी में क्या खराबी है? जब हम सबकी खटिया खड़ी हो गई थी और तुम दुम दबाकर भाग गई थी तो इन्हीं लोगों ने हमारी जान बचाई थी। अगर ये सब ना होते तो हम सब जान से मारे जाते। तू चुप रह, मैं सबको देख लूंगी। तुमने मुझे 3 महीने का किराया देना है और तुम दोनों ने 4 महीने का। अगर यहाँ रहना है तो आज किराया दो वरना निकलो यहाँ से। फिक्र मत करो, किराया मैं दूंगी। वाह लाल छड़ी, लाल चड्डी के लिए दयावान बन रही है। हाँ मैं बन रही हूँ तो तुम्हें क्या, स्मशान की चुड़ैल? तूने मुझे गाली दी थी। ऐसे थोड़ी होता है। चुप करो मुसलमान, तुम सबको मैं सड़क पे ले आऊंगी। मेरा चिल्लाना सुना तुमने? याद रखना, अब किसी ने मुंह खोला तो मोटी आंटी की चीख है या कोई भूचाल? इसे तो तबका नहीं होगा। मेरी ही बेइज्जती करके तुम मेरी ही चाल में रहोगे? मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम सबको देख लूंगी। अरे अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं है तुम्हें? क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तू कोशिश कर। क्या मैं? हाँ जल्दी मार। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? थोड़ा पास चक्कर अच्छे से निशाना मारना। जा बेटा। ठीक है। ये किसने फेंका? पर ये यहाँ पर कैसे? हाँ बेवकूफ, तुमने तो मारा था। तुम्हारा मतलब मैं ताकू तला सकता हूँ? नहीं। ओह सॉरी। मैं तुम कुछ कह रहे थे क्या? हाँ मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। मोती ने देख लिया। मैंने सुना है पुंगी बजाने से सांस नहीं काटते, मैं अभी मुंह से पुंगी बजाता हूँ। तुम्हारे में तो की जरूरत नहीं है। तुमने वापस आने की जरूरत की? चलो अपने काम। क्या हो गया? तू उस तरफ जा। Thank you.
तू इधर क्या कर रहा है? तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें तो चोट लगी थी। अब मैं ठीक हूँ। पर तुम्हारी चोट इतनी जल्दी ठीक कैसे होती है? मुझे नहीं पता। कौन से हॉस्पिटल गए थे? दोस्त मुझे कुछ याद नहीं है। चलो अच्छी बात है, बुरी यादें बहुत दुखदाई होती हैं, उन्हें भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई होती है। क्या बात है, तो इतना समझदार कैसे हो गया? हर दुख के पीछे कहीं खुशी छुपी होती है। और हर रात के बाद मटकता सवेरा आता है। अरे आगे से हट जाओ ना, कबाब में हड्डी। अरे हटते हो या दूं एक रख के? देखो कैसे दोनों पागल अपना कफन लेकर घूम रहे हैं। दोनों बुद्धू है। तुम तीनों यहाँ रहोगे कि नहीं, ये फैसला हमेशा की तरह भगवान बुद्ध करेंगे। अच्छी लकड़ी निकली तो तुम यहाँ रह सकते हो, और अगर बुरी लकड़ी निकली तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। भगवान बुद्ध, बताओ हमारे भविष्य में क्या लिखा है? क्या बहुत बुरा वक्त आने वाला है। चाय पी लीजिए। बाकी बहुत शुक्रगुजार है। हम लोग उनका हुनर जान चुके हैं। उनमें से एक हंग स्कूल की आयरन फिस्ट का जानकार है, दूसरे ने यांग ऑक्टेजन की कला सीखी है, और तीसरा टान स्कूल की 12 किक का गुरु है। बिग स्टाई के तीनों आदमी मास्टर हैं। पर ये कला सीखे उन्हें काफी वक्त हो गया है, इसलिए उन तीनों में उतना दम नहीं है जिसकी वजह से उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। वाह, ये हुई ना बात। बिल्कुल, ये दोनों कातिल नंबर 1 है। महंगे जरूर हैं, पर हैं बड़े काम के। गलत, दुनिया के नंबर 1 कातिल हम नहीं बीस्ट है, और कत्ल करने में उसका कोई मुकाबला नहीं। वो कुंग-फू सीखने में इतना डूब गया है कि पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। मैंने सुना है कि वो किसी किस्म के पागल खाने में भर्ती है। अगर वो पागल खाने में है तो तुम ही कातिल नंबर 1 हुए ना। हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि हम संगीतकार हैं। गाए ऐसा गीत जो जीवन भुला दे, कोई तो ऐसा मिले मैं सुना दूं उसे। ओए, क्या धमाकेदार कहा, क्यों है ना? अलविदा मेरे दोस्त, पता नहीं दोबारा हम मिलेंगे या नहीं। काश पहले पता होता कि हम तीनों अपने अपने हुनर में इतने माहिर हैं, पर अलग होने से पहले आज हम क्यों ना अपना हुनर आजमाएं? नहीं, मुझे अभी बहुत सामान बांधना है। बांध लो अपना सामान। से पैरों का कमाल कहां देखने को मिलता है? तुम्हारे कुंफू के दावपेच का जवाब नहीं, काफी हटके है। और तुम्हारा लाठी से लड़ने का तरीका, कितनी स्फूर्ति है उसमें। हम फिर मिलेंगे। ये लिपस्टिक के निशान। आज काम से बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा खाना ले लूँ? कहाँ जा रहा है? रुक जा। देख, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। रुक, एक रुक। Thank you.
माफ कीजिए जनाब, दुकान बंद हो चुकी है। तुम्हें सूट बनाने में कहां देर लगती है? हाँ, पर मैं दुकान बदल रहा हूँ। ये कपड़ा बहुत अच्छा है। आपको वाकई कपड़े की पहचान है। इसकी कारीगरी वाकई बेशकीमती है। इसकी कीमत क्या है? कीमत लगाना मुश्किल है। आज नानी याद आ जाएगी इन सबको। साले हमसे जबरदस्ती पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे। जरा मैं भी देखूं। देखने दोगे? जान बची तो लाखों बाई लौट के बुद्धू घर को आए। सत्यानाश, मैंने कहा था उन्हें जाने को, देखा लड़ाई शुरू हो गई। सच क्या? अब देख लो। ये नुकसान क्या तुम्हारा बाप भरेगा? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप लोग लगे रहे।
अरे चुड़ैल की अम्मा अंदर जाकर सोती क्यों नहीं? साले मुझे चुड़ैल बोलते हो? कुछ नहीं आप लगे रहो। क्या दिया? मैंने कहा ना मुझे देखने दो। क्या लिया? तुम ठीक हो ना? यहाँ एक और मास्टर है। दोबारा यहां नहीं आएंगे है ना? अब गए काम से, गाड़ी स्टार्ट करो, निकलो यहां। बॉस क्या हुआ? चुप कर साले, दिख नहीं रहा क्या? हम मीटिंग में बिजी हैं, बहुत सारे काम करने हैं। निकल जा अभी के अभी यहां से, चला जा यहां से। जूते मारने का दिल करता है। आइए जी।
अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर दिल को तसल्ली है कि तुम जैसे असली मास्टर को देखकर अब मैं चैन से मर सकता हूँ। ऐसा मत कहो डोनट, हम आम इंसान हैं जो शांति से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुशकिस्मत है कि हम ऐसे हैं। प्लीज हमें मास्टर मत कहो। मगर तुम दोनों इतना अच्छा लड़ सकते हो, अगर तुम पहले हमारी मदद करते तो इन्हें अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। डोनट ठीक कहता है, हर चीज की वजह होती है। बरसों पहले हमने अपने इकलौते लड़के को एक ऐसी लड़ाई में खो दिया था। बदला सिर्फ बर्बादी लाता है, तुम ये क्यों नहीं समझते? तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे कुंफू का मास्टर बना दो, फिर मैं उन लोगों से बदला लूंगा इन दोनों की मौत का। कुंफू मास्टर बनना आसान नहीं है, इसमें बहुत वक्त लगता है। तुम में अगर पैदाइशी हुनर ना हो तो मास्टर नहीं बन सकते, ऐसा इंसान लाखों में एक होता है। देखा तुमने, मैं हूं ना ब्रूसली का बाप। नहीं, ब्रूसली महान था। सुनो सब लोग, हमने कसम खाई थी जिंदगी में कभी नहीं लड़ेंगे, पर आज हमने वो कसम तोड़ दी। सही किया या गलत वो मैं नहीं जानता, अपनी सुरक्षा के लिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। सुनो, जिसके पास ताकत होती है जिम्मेदारी भी वही उठाता है, तुम्हें भी उठानी होगी। डोनट, तुम बुरी तरह जख्मी हो, शांति से लेटे रहो। मुझे जवाब दो, क्या तुम जिम्मेदारी? शांत हो जाओ, अभी बात मत करो डोनट। क्या देख रहा है बे? चश्मिश कहीं गए? क्यों, क्या खराबी है मेरे इस चश्मे में? हाँ, लगता है तुम्हें चश्मा पहनने वाले पसंद नहीं। ठीक कहा, खासकर उनसे जिनकी आंखें चश्मे से बाहर निकल रही हो सांप की तरह। चुप कुत्ते, मेरे बाप का क्या जाता है? मुझे पसंद है, मेरी बीवी को पसंद, मेरी बाजू वाली को पसंद, मेरा बच्चा भी चश्मा पहन के ही पैदा होगा। मदद करना। मदद करने आया, ये ले, मदद मैं करता हूँ तुम्हारी। अपने बाप को ले आना, उसे भी सांप दिखा दूंगा। अरे जाना, चश्मे के साथ तेरा थोपड़ा भी तोड़ दूंगा, चल निकल यहाँ से। तू तो जानता है ना मैं इसका थोपड़ा तोड़ सकता हूँ, तो बोलता क्यों नहीं? अरे बोल ना, अरे बोल, तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ, क्या हुआ था तुझे जब मैं तुझसे मदद मांग रहा था? वो भौंक रहा था, मिमिया रहा था, इसलिए तो हम लोग मार खाते हैं सबसे। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता तुझे? हमने चोरी नहीं की, खून नहीं किया, डाका नहीं डाला, अभी तक किसी का रेप तक नहीं किया है, तो इज्जत क्या खाक मिलने वाली है हम दोनों को? बता मुझे, बस अपना मोटा सा पेट लेकर घूमता रहता है। चल मेरे साथ। चल बोल, पैसा किधर है? बता मुझे पैसा किधर है, कूड़ना बंद कर, बता मुझे। मैं खून पहले करता हूं, बात बाद में, बोल पैसा कहां है, बोल। देखो पैसे यहां पर है। छोड़ दो।
तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? चल तू भाग जा यहाँ से। ये ले कुछ पैसे रख ले और घर जाके खेती बाड़ी कर। चल जा यहाँ से वरना मैं तुझे मार दूंगा तुझे। ये ले पैसे, तू अपने लिए कपड़े खरीद ले। आज से तू भाई के गैंग में। मां कसम। हाँ आ मेरे साथ, देख कौन तेरा इंतजार कर रहा है। क्या हुआ भाई? तुम्हें तो देखते ही समझ गया था कि अपने आप को साबित करने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। हाँ सही है, इंतजार था तो बस मौके का। हाँ हाँ तो लो ये रहा तुम्हारा मौका। भाई जो बोलोगे वो मैं करूंगा। आया मुझे, ये कौन सी जगह है? यही वो पागल खाना है। रिपोर्टिंग सर। कुछ है? पागल खाने में मिलिट्री? नहीं, बिल्डिंग के वॉचमैन है। और टैंक? चिंता क्यों करता है? अब सुन, जब ये लोग अपनी ड्यूटी बदलेंगे तब तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त होगा। तू अंदर घुस जाना और इस नक्शे की मदद से अंदर की आखिरी कोठरी में पहुँच कर वहाँ बंद आदमी को उठाकर अपने साथ ले आना। समझ गया? ये ले औजार ले, चल। क्या आप लोग नहीं आएंगे? हम लोग तुम पर नजर रखेंगे ना। टाइम हो गया, जा जल्दी जा। दुनिया का कातिल नंबर वन, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है ठीक है, एक मियां बीवी को टपकाना है, क्या कीमत लोगे? हैं मैं क्या कीमत लूंगा? मैंने सैकड़ों कत्ल कर डाले एक ऐसे दुश्मन की तलाश में जो मेरे सामने खड़ा होने की ताकत रखता हो, मगर मुझे एक भी नहीं मिला। मिल जाता तो मैं कब का पागल खाने से बाहर निकल आता। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके तो मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में कत्ल कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। है कोई तुम्हारे पास? बाबा क्या किस्मत है तुम्हारी, हमारे पास ऐसे कई माहिर हैं जो तुमसे लड़ सकते हैं, पर पहले हम तुम्हारे कमाल देखना चाहते हैं और हम ये भी देखना चाहते हैं कि तुम में दम कितना है। हैं, इन बंदरों के आगे मैं अपनी कला दिखाऊं? पर ये इस लायक नहीं है, नालायक है। जी भाई। क्या ये तुम्हें कातिल लगता है? जी चप्पल जरूर रबर की है, लेकिन कत्ल से पहले अपने आपको ठीक ठाक कर लेगा ये मुझे लगता है।
तुम्हें यकीन है ये वही कातिल नंबर वन है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं वही आदमी उठाकर लाया हूँ जिसे आपने कहा था। चलो ना चश्मिश चाचा, जरा अपना कमाल दिखा दो ना, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हो? तुम सिर्फ बंदर नहीं गधे भी हो। जानते हो ये क्या है? कभी इतना बड़ा मुक्का देखा है, मुझे मजबूर मत करो। एक रख के दूंगा ना तो 32 ही गुल हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा दिखाओ तो जरा। भाई लोग, चाचा बेहोश हो गए क्या? चुप है फिल्मी साले, विलन की तरह हंसता और दांत नहीं घसता। हाँ और मार, और मार, और मार। हाथ में बिल्कुल दम नहीं है तेरे, और खुद को भाई बोलता है। जा दुबई से ट्रेनिंग लेके आ, विदेशी घोड़ा। वाह, कुंग फू की दुनिया में जो रफ्तार को जीत पाता है वही विजेता बन पाता है। कातिल नंबर वन सबसे महान है। एक्स गैंग इनके सामने अपना सर झुकाते हैं। असली कुंफू मास्टर तो यहाँ मौजूद है। हाँ, दुनिया के कातिल नंबर वन में ही सिर्फ ऐसी स्फूर्ति और तेज हो सकता है। आप भी कम नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वो मशहूर प्रेमी है ना? मैं हूँ मजनू। और मैं हूँ लैला। खुशी हुई मिलकर। एक बात कहूँ, हम यहाँ एक्स गैंग से निपटने आए हैं, सिर्फ एक्स गैंग से। एक्स गैंग से निपटने का एक ही मौका था, तुम्हें तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। अब तुम दोनों को यहीं दफनाया जाएगा। उधार की जिंदगी जीते हो और ऐसी बातें, ये रहा तुम्हारा तोहफा। जानते हो ये क्या है? अरे ये क्या, मौत का घंटा। कातिल नंबर वन के यहाँ होते देखते किसका घंटा बचता। ओह, तो तुम इसके साथ हो। मुझे गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ अपने हाथों से मारना चाहता हूँ तुम्हें, या तो फिर मरना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों। जाने मन तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छाई बुराई एक साथ नहीं रहती, और हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सही कहा है ना? बिल्कुल। तैयार जाएं? थोड़ी और कोशिश करो बच्चों, मजा नहीं आया। ओ ये अच्छी कोशिश थी, पर निशाने से चूक गए। Oh!
गया। नहीं जानता था कि शेरनी की दहाड़ घंटे के साथ भी हो सकती है। मैं हार गया। लगता है ये तीनों फंस गए। इन दोनों को यहीं नीचे ढेर कर देते हैं। तुम करो। मेरा तो पांव भारी हो गया। लालू करो बुलो। ओए इधर आओ। मारो इसे। हाँ। सर पर मार दे। हाँ सर पर। नहीं नहीं उसकी टांग तोड़ दे। ठीक है। यही मौका है। समझ गया। मार दे। मार दे। सर पर मार दे। समझ गया। मार दे। मार दे। अरे मार दे। पागल हो गए? कभी कहते हो सर फोड़ू और कभी कहते हो टांग तोड़ू। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं मुझे? अब इसे कहते हैं मुक्का, सबसे बड़ा मुक्का। वो लोग गए कहाँ? तुमने उन्हें जाने कैसे दिया साले 1.5 फुट टकले? मुझसे बच के कहाँ तक जाएंगे? ढूंढ निकालूंगा। समझ में नहीं आया हमें क्यों बचाया। जवान बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो खुद अच्छाई का रास्ता अपना लेते हैं। देखो कैसा अधमरा कर दिया उस शैतान ने। कोई आखिरी ख्वाहिश है तेरी? हाँ
ये क्या है? ये क्या लिखा है तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है? बताओ बताओ ये क्या लिखा है तुमने? है? वहां भी नहीं है। कुदरत का करिश्मा है जो ये अब तक जिंदा है। अब देखते हैं जड़ी बूटियों का असर। इनका असर उतना नहीं होगा। इसके ठीक होने का राज इसके अपने शरीर में है। इसकी हड्डियां टूट गई हैं और मांसपेशियां फट गई हैं, मगर ये फिर भी कितनी तेजी से ठीक हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं है वो तो नहीं? बदबू कहां से आ रही है? धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मुझे निपटने दीजिए इनसे। पता नहीं कहां गायब। सोचा भी ना था कि 20 की मार से लड़के का अंदर का ताकत जाग जाएगा और वो कुंग फू मास्टर बन जाएगा। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आम लड़का नहीं, वही लाखों में से एक कुंग फू मास्टर है जिसकी हम बात करते थे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओए दल बदलू, तू अभी भी जिंदा है? भाई लोग खत्म कर दो।
पैरों पर हमला, ये लड़ने का नया तरीका तो बचकाना है। अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो आज वो इसकी उम्र का होता। अगर वो पढ़ाई में मन लगाता तो जरूर वकील या डॉक्टर बन गया होता। मुझे तो लगता वो जरूर स्टंटमैन बनता। अब मुझसे लड़ेगा। मेंढक वाला कुंफू काफी खतरनाक है। Thank you.
सुनो, याद है वो बुद्धा हस्त जो सीधा आसमान से धरती पर गिरता है? हाँ, वही सदियों पुराना बुद्धा हस्त कुंफू है। ये कौन सी कला है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मास्टर, अपने बच्चे को देखो, ग्लास में पूरा थूक लगा रहा है। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुंह लगाओगे तो खरीदना भी पड़ेगा। हाँ तुम्हारी हड्डियों की बनावट एक कुंफू मास्टर जैसी है। मैं साफ देख सकता हूँ कि आने वाले कल में तुम्हें ये किताब जिसमें बुद्धस कुंफू की जानकारी है उसकी जरूरत पड़ेगी। रुको बेटा, अगर ये नहीं पसंद तो और हैं।